मैं डॉक्टर आरती शाह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा से। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में हीट कैपेसिटी या ऊष्मा धारिता से शुरू कर रहे हैं। किसी भी पदार्थ के ताप को एक डिग्री बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ को चाहिए होती है, उसे हम ऊष्मा धारिता कहते हैं। ऊष्मा धारिता का मान ताप पर निर्भर करता है। अलग अलग ताप पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम मीन लेते हैं। माध्य ऊष्मा धारिता ज़्यादा उपयुक्त रहती है बजाय ऊष्मा धारिता के। अगर हम किसी तंत्र को क्यू ऊष्मा देते हैं और उसके ताप में परिवर्तन T1 से T2 हो जाता है, तो उस स्थिति में हम इक्वेशन से देख सकते हैं कि सी बार, जो कि हमारी माध्य ऊष्मा धारिता है, बराबर Q/T2 - T1। ऊष्मा धारिता में परिवर्तन अगर हमने सूक्ष्म लिया है, तो हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म से लेते हैं, C/dQ/dt। गैसों के ग्राम अणु ऊष्मा धारिता, मतलब एक ग्राम में अगर हम लेते हैं, तो दो मान हो सकते हैं, एक स्थिर आयतन पर CV और दूसरा स्थिर दाब पर CP। पहला, स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक तंत्र स्थिर आयतन पर यानी QV ऊष्मा अवशोषित करता है, और अगर ताप में परिवर्तन T1 से T2 होता है, तो स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता हम कैसे लिखेंगे? CV/qV T2 - T1 at constant volume। पहले थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम में, प्रथम नियम में हमने क्या पढ़ा है? QV = ΔE, और उस आधार पर CV किसके बराबर हो जाता है? ΔE/T2 - T1 at constant volume। या अगर परिवर्तन बहुत छोटा है, तो CV = ΔE/ΔT at constant volume। अगर परिभाषित करना चाहें, तो प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता कहलाती है। या हम आसान तरीके से कहें तो आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर, कंडीशन क्या है? स्थिर आयतन पर तंत्र की ऊष्मा धारिता कहलाती है। दूसरी प्रकार की ऊष्मा धारिता निश्चित दाब पर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर तंत्र द्वारा स्थिर दाब पर ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, तंत्र में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार से T1 से T2, तो हम CP को लिख सकते हैं, CP = QP/T2 - T1 at constant pressure। स्थिर दाब पर ऊष्मा किसके बराबर होती है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस तंत्र द्वारा किए गए कार्य के। तो ये हमने ऊष्मा गतिकी के पहले नियम में पढ़ चुके हैं। तो ΔE + P∆V वैल्यू रखी, और ΔE + P∆V को हम एंथैल्पी से लिखते हैं, तो हमने CP = ΔH/T2 - T1 at constant pressure। और अगर परिवर्तन सूक्ष्म है, तो डिफरेंशियल फॉर्म लिखी, CP = ΔH/ΔT at constant pressure। ऊष्मा गतिकी संबंध CP और CV के बीच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। कभी कभी सिर्फ रिलेशन की फॉर्म में पूछा जाता है, कभी पूरा डिराइव भी किया जाता है, तो हमें इसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। एक तंत्र के लिए CP और CV के मान समान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर है, जबकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा द्वारा क्या हो रहा है? तंत्र में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी हो रही है, और साथ ही साथ तंत्र द्वारा कार्य भी किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि एक समान करने के लिए स्थिर आयतन के जैसी हमें ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी। संबंध स्थापित करने के लिए
Cp माइनस Cv बराबर, दोनों की वैल्यू रखी, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम जानते हैं एंथैल्पी किसके बराबर है, एच इज इक्वल्स टू ई प्लस पी वी। हमने इस समीकरण को डिफ्रेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और कंडीशन क्या रखी है, स्थिर दाब पर। तो डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस, चूंकि दाब स्थिर है तो पी हमने बाहर ले लिया, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। सी पी माइनस सी वी हमने वैल्यू रख दी डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की पहली दो टर्म्स में, और तीसरी वही आ गई माइनस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हमने सेकेंड स्टेप में जो सेकेंड इक्वेशन है वो ये दिखा रही है कि ई इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और फिर हमने ई को डिफ्रेंशिएट किया है तो डी ई किसके बराबर हुई, एक बार हमने वॉल्यूम के साथ डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरी बार हमने टी के साथ किया विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फाइनली जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन जो आ रही है वो है सी वी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद जो फैक्टर कॉमन आ रहा है डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी आयतन का ताप के साथ परिवर्तन स्थिर दाब पर, हमने इसको बाहर कॉमन फैक्टर में ले लिया तो हमारी इक्वेशन सिंपल अंदर हो गई पी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये जो रिलेशन है जो सी पी और सी वी के बीच ऊपर वाली समीकरण से जो संबंध दिखाई दे रहा है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के लिए लागू होता है, ठोस द्रव और गैस के लिए। अगर हम आदर्श गैसों की बात करते हैं तो आदर्श गैसों में हम ये मान के चलते हैं कि अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, किसी भी प्रकार के वांडरवॉल फोर्सेस नहीं पाए जाते, और उस स्थिति में हम आदर्श गैसों में क्या मान लेते हैं कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ज़ीरो, मतलब आंतरिक ऊर्जा का आयतन के साथ परिवर्तन। सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि दाब स्थिर है, और उस दाब स्थिर वाली अवस्था में आदर्श गैसों के लिए यह ज़ीरो हो जाता है। तो सी पी माइनस सी वी बराबर किसके बचा, पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी अब स्थिति सिर्फ इतनी है कि आयतन का ताप के साथ परिवर्तन स्थिर दाब पर। अब आदर्श गैसों के लिए क्या समीकरण है, पी वी बराबर आर टी, जब हमने क्या लिया है, एक मोल गैस ली है, और टी के साथ अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है, आर आ जाती है, और इसकी वैल्यू हमने वहाँ रख दी तो हमारी इक्वेशन आ गई सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ध्यान देने की चीज़ है कि यह एक मोल आदर्श गैस के लिए रिलेशन है। आपको कई तरह से छोटे क्वेश्चंस में ये रिलेशन पूछा जाता है, तो पर्टिकुलरली आपको ये ध्यान रखना है कि आदर्श गैस के लिए पूछ रहे हैं, वास्तविक गैसों के लिए पूछ रहे हैं, एक मोल गैस के लिए पूछ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको समीकरण लिखनी होगी। जूल्स लॉ, जूल्स लॉ हमें क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में हमने एक बड़ा थर्मोस्टेट लिया है, ताप स्थाई लिया है,
ताप स्थायी का मतलब अंदर ताप स्थिर है और उस ताप को हम थर्मामीटर जो कि हमने दिखाया टी दिखाई दे रहा है उसके द्वारा हम ताप नोट करते हैं। एक विलोडक दिखाई दे रहा है क्रॉस किसी निशान वाला, उसके द्वारा हम ताप स्थायी रखने के लिए अंदर जो जल भरा है उसमें हमेशा एक हल्का हल्का विलोडक स्टरर करते रहते हैं पानी को, ताकि वो चारों तरफ पानी का ताप एक समान रखता है। अब दो बल्ब हैं ए और बी और दोनों एक नोब द्वारा जुड़े हुए हैं। इस स्थिति में नोब बंद है, ए गैस से भरी हुई है और बी पूरी तरह से निर्वात है। जैसे ही हम नोब को खोलेंगे तो गैस ए से बी में आ जाती है और धीरे धीरे दोनों गैसों में गैस का आयतन बी को भी पूरी तरह से घेर लेता है। अब इक्वेशन क्या आ रही है, ई ई इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसके आधार पर हमने डी ई लिखा है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। हम जानते हैं डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी किसके बराबर है, सी वी, तो हमने सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। अब जूल्स लॉ, जूल्स लॉ क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऊष्मा गतिकी के अनुसार जैसा कि हमने पढ़ा कि बल्ब ए से गैस पूरी बी में चली गई और बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध हुआ, क्योंकि हमने ताप स्थायी कर रखा है, ऊपर से कोई दाब नहीं लग रहा है, तो ए से बी में गैस बिना किसी दाब के आराम से चली गई, यानी बी में गैस का प्रसार मुक्त प्रसार हो रहा है। और जब मुक्त प्रसार होता है तो गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता और डब्ल्यू जीरो हो जाता है। चूँकि जल में ताप स्थायी है तो ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो डेल्टा टी भी जीरो हो गया। अब तंत्र में और परिपार्श्विक के बीच ऊष्मा का भी कोई विनिमय नहीं हो रहा, तो क्यू भी जीरो हो गया। और प्रथम नियम से डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो है डब्ल्यू जीरो है, तो डेल्टा ई का मान भी जीरो होगा। इस आधार पर क्या है, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी इज इक्वल्स टू जीरो। कुछ आयतन में परिवर्तन हो सकता है। अब हम क्या कंडीशन ले रहे हैं कि चूंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, दो चीज़ें हमारे पास, एक तो है आयतन का आंतरिक ऊर्जा के साथ परिवर्तन स्थिर ताप पर, और दूसरा सिर्फ आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन तो हुआ क्योंकि गैस ए से बी में गई, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो हुआ, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू जीरो। और ये क्या बता रहा है, ये हमें बताता है गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल। और दूसरे स्थिति में यदि गैस का हम समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा यानी ई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो स्थिर ताप पर जूल के नियम के अनुसार आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ किस पर निर्भर करती है, आंतरिक ऊर्जा का मान सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। और उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि आदर्श गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज जीरो। पर ये ध्यान रखने की चीज़ है कि ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आदर्श गैसों के लिए है। जूल का नियम आदर्श गैसों के लिए है, वास्तविक गैसों के लिए नहीं। वास्तविक गैसों के लिए क्या स्थिति होगी कि वास्तविक गैसों में चूंकि आकर्षण बल होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, इसलिए हम डेल ई अपॉन डेल वी
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को ज़ीरो नहीं मान सकते, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। उस स्थिति में अब आंतरिक ऊर्जा का आयतन के साथ स्थिर दाब पे परिवर्तन को हमने एक नया नाम दिया, इंटरनल प्रेशर या आंतरिक दाब। और इस आंतरिक दाब का मान हम जूल कोफिशिएंट से निकालते हैं, जूल गुणांक से। क्या है हमारा जूल गुणांक या जूल कोफिशिएंट? तो जूल कोफिशिएंट जो है वो ताप का आयतन के साथ परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा पर, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हमने एक कोफिशिएंट दिया है म्यू जे, जिसे हम क्या कहते हैं, जूल गुणांक। म्यू जे हमारा जूल गुणांक है। आदर्श गैसों के लिए इसका मान शून्य होता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? सिर्फ ताप पर। जबकि वास्तविक गैसों के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम एक साइक्लिक लॉ लेते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा और आयतन के साथ एक रिलेशन ले रहे हैं, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, या ई मल्टीप्लाइड बाय डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर आप देखेंगे तो अगर हम डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी लेते तो सब चीज़ें कैंसिल हो जाती और हमारे पास प्लस वन आता, पर हमने उल्टा लिया है तो दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस वन। अब डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है? सी वी के। डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? म्यू जे के। तो हमने वैल्यू पुट करी तो माइनस सी वी म्यू जे। जूल्स अब क्या कर रहे हैं, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जैसे वहाँ हमने E1 से E2 है, तो अगर आयतन में परिवर्तन कितना है, V1 से V2, तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV के बराबर है। अब आयतन में परिवर्तन बहुत कम है, बहुत ही सूक्ष्म है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। और हमारी इक्वेशन जो है वो बाहर आ गए इंटीग्रेशन की फॉर्म से, और V1 से V2 dV हुआ, या V2 माइनस V1 हो गया, E2 माइनस E1 हो गया, तो डेल्टा E बराबर डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा E जो है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, और डेल्टा V आयतन में परिवर्तन के बराबर है। इसलिए ठोस और द्रव दोनों तंत्रों के लिए हम इस समीकरण से मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ठोस और द्रव अगर हम देखें तो ठोस और द्रव में आयतन में परिवर्तन बहुत कम होता है और हम इसे शून्य मान सकते हैं, जबकि गैसों के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान बहुत ज़्यादा होता है, परिवर्तन आयतन में ज़्यादा होता है, और ये वास्तविक गैसों के लिए हम इसकी गणना कर सकते हैं। जूल्स थॉमसन इफेक्ट, जूल्स नियम के साथ कुछ कमियां रह गई थी और वो फिर हमने जूल थॉमसन इफेक्ट में पढ़ी हैं। तो सबसे पहले जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? जूल थॉमसन प्रभाव को हम शीतलन प्रभाव भी कहते हैं। रुदोष्मावस्था में यदि गैसों को एक पोरस प्लग या संरंध्र डॉट से होकर उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी होती है, और इस प्रभाव को हम जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहते हैं। गैस के ताप में जो कमी हो रही है वो दाब में अंतर के समानुपाती होती है, तो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी ताप में कमी दाब में कमी के समानुपाती है।
हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में शीतलन का प्रभाव बहुत कम ताप पर दिखाई दे रहा है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन और -240 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम। ताप में यह कमी क्यों होती है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब अणु गति कर रहे हैं तो अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा है। जैसे ही हम उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करते हैं, आयतन में वृद्धि हो गई, अणुओं के गति में गतिज ऊर्जा में कमी हुई और गैस निर्वात में जब प्रवाहित होती है तो उसके लिए अणुओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो कहाँ से मिलेगी उन्हें? गतिज ऊर्जा से। गतिज ऊर्जा में कमी के फलस्वरूप ताप में कमी हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है और तब हमें शीतलन प्रभाव दिखाई देता है। आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव शून्य होता है। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आदर्श गैसों में कोई आकर्षण बल नहीं होते, इसलिए अगर हम उसे उच्च से निम्न दाब की ओर प्रवाहित भी करेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या हम जूल थॉम्सन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। देखिए, एक ट्यूब ली है हमने और उस ट्यूब में हमने एक सरंध्र डॉट, एक ऐसा पर्दा सा लगाया है पोरस प्लग का, बारीक छिद्र का। अब हम एक्स दिशा से पिस्टन को वाई की दिशा की तरफ चला रहे हैं, जहां पहली अवस्था में P1 दाब है, V1 आयतन है, पिस्टन को हमने प्रेशर दिया तो ताप T1 है, थर्मामीटर से लगा हुआ है। गैस पोरस प्लग से होती हुई दूसरी तरफ जा रही है और वो पिस्टन को उस तरफ प्रेशराइज कर रही है, धक्का दे रही है। उस वक्त दाब कितना है? P2, आयतन V2 और टेम्परेचर T2 है। तो पहली अवस्था में X अवस्था द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है? P1 dV। और दूसरी अवस्था में या संपीड़न द्वारा, गैस द्वारा, कि अभी हम क्या कर रहे हैं? संपीड़न कर रहे हैं, तो सिस्टम पर कार्य हो रहा है, तो संपीड़न कार्य बराबर P1 V1। जूल थॉम्सन इफेक्ट दूसरी अवस्था में जब पिस्टन वाई द्वारा क्या किया जा रहा है? प्रसार कार्य किया जा रहा है और उस वक्त दाब P2 है, तो 0 से V2 और क्या कार्य हुआ? P2 V2। तो हम कह सकते हैं कि गैस द्वारा किया गया शुद्ध कार्य, क्योंकि पहली अवस्था में परिपार्श्विक द्वारा कार्य किया गया था, दूसरी अवस्था में तंत्र द्वारा किया गया, तो कार्य हो गया P2 V2 - P1 V1। चूँकि तंत्र बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता, हमने प्रक्रम को कैसा बना रखा है? रुदोष्म प्रक्रम बना रखा है, हम तंत्र को कोई ऊष्मा नहीं दे रहे, तो Q0 हुआ और उस स्थिति में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी, कम होगी, और परिणाम स्वरूप क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी। तो डेल्टा ई बराबर, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ से Q-W, Q0 है, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू -W, या E2 - E1 इज इक्वल्स टू -P2 V2 - P1 V1, या हम इसको करें E2 - E1 इज इक्वल्स टू P2 V2 - P1 V1, E2 + P2 V2 इज इक्वल्स टू E1 + P1 V1, या E2 + P2 V2 को हम किस टर्म में लिख सकते हैं? एंथैल्पी में। तो H2 इज इक्वल्स टू H1 या डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट किसी भी तंत्र की एंथैल्पी किसका फंक्शन है? ताप और दाब का फलन है। और गैस के प्रसारण से क्या होगा? हम जानते हैं कि ताप में कमी हो रही है डेल्टा टी में, और साथ ही साथ दाब में भी कमी हो रही है, तो उस स्थिति में हम एच को क्या मानते हैं? एच इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, और डी एच इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी। यानी पहले हमने एंथैल्पी को प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन माना, उसके बाद हमने उसको एंथैल्पी को विद रिस्पेक्ट टू
एट कांस्टेंट प्रेशर ले लिया और सेकेंड में एट कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया। अब डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, सीपी। तो सीपी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी। अब जूल थॉम्सन प्रयोग के अनुसार हम क्या कह रहे हैं, डेल डी एच या चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो वो हमने समीकरण में लिखा। तो सी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो आप पहले चाहो तो सी पी डी टी को हम दूसरी साइड लाते हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है और डी डेल डी टी अपॉन डी पी यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये क्या है, जूल थॉम्सन गुणांक किसके बराबर है, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप का परिवर्तन क्या कहला रहा है, जूल थॉम्सन गुणांक म्यू जी टी। जूल थॉम्सन गुणांक को हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू जी टी बराबर वन अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर से, या डेल्टा टी बराबर वन माइनस वन अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल पी से। डेल्टा टी क्या बता रहा है, टेम्परेचर्स में परिवर्तन टी टू से टी वन। डेल्टा पी क्या बता रहा है, दाब में परिवर्तन पी वन से पी टू। यहाँ डेल्टा टी प्रसार द्वारा ताप में हुई कमी दाब में अंतर के बराबर होती है। अब चूंकि हमने जो थर्मामीटर लगा रखा है उस थर्मामीटर से हम ताप में परिवर्तन ले लेते हैं और उस ताप में परिवर्तन के साथ स्थिर दाब पर हम सी पी का मान कैलकुलेट करके डेल एच अपॉन डेल पर टी का मान हम प्रैक्टिकल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम म्यू जी टी का मान कैलकुलेट करते हैं। म्यू जी टी का मान आदर्श गैसों के लिए, ये बच्चों बहुत पूछा जाता है, अक्सर कई बार दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो म्यू जी टी बराबर माइनस वन अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एच को हम क्या लिख सकते हैं, ई प्लस पी वी, वो हमने लिखा, पार्शल डिफरेंशियल किया हुआ है डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम जानते हैं कि आदर्श गैसों के लिए क्या स्थिति है, डेल ई अपॉन डेल वी यानी कोई आंतरिक ऊर्जा का आयतन के साथ परिवर्तन स्थिर ताप पर जीरो है, और साथ ही साथ डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या लिख सकते हैं, आर आर, और वो भी स्थिर है। तो कुल मिला के म्यू जी टी बराबर जीरो हुआ। तो जूल थॉम्सन गुणांक का मान आदर्श गैसों के लिए शून्य होता है। ये हीट कैपेसिटीज और जूल्स लॉ, जूल्स थॉम्सन इफेक्ट के बारे में था। नीचे यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा है कॉलेज का, उस पर आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, आपको मेरी तीनों वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ कॉलेज द्वारा सेक्शन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उस पर मैं लगातार आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ ई कंटेंट्स, कुछ पीडीएफ की फाइल्स देती रहूँगी। तो आप लगातार उसके संपर्क में रहें ताकि आपको इस कोरोना के काल में अध्ययन करने में कोई नुकसान ना हो।